नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंटेस्ट इलेक्ट्रिकल में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हल करेंगे जो इलेक्ट्रिकल कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ECL का विस्तार क्या है? तो इस क्वेश्चन में हमसे ECL की फुल फॉर्म पूछी है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन कपल्ड लॉजिक, बी ऑप्शन है एमिटर कपल्ड लॉजिक, और सी ऑप्शन है एनहांस्ड चार्ज लॉजिक, और डी ऑप्शन है एक्स्ट्रा कैपेसिटेंस लॉजिक, और ई ऑप्शन है एमिटर कलेक्टर लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमिटर कपल्ड लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार एवं पृथ्वी के बीच का विद्युत रोधन प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए है 50 अपॉन परिपथ में बिंदुओं की संख्या, ऑप्शन बी है 1/500 इंटू पूर्ण भार धारा, ऑप्शन सी है 1/50 इंटू परिपथ में बिंदुओं की संख्या, और ऑप्शन डी है 1/5000 पूर्ण भार धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50/ परिपथ में बिंदुओं की संख्या। तो इस सूत्र से जो रेजिस्टेंस आएगा वह मेगा ओम में होगा, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेगा ओम में ही मापा जाता है। और किसी विद्युत प्रतिस्थापन में 1/5000 इंटू पूर्ण भार धारा से अधिक लीकेज करंट का मान नहीं होना चाहिए। इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को परिवर्तित डीसी में बदल देता है? ऑप्शन ए है चॉपर, बी है रेक्टिफायर, ऑप्शन सी है साइक्लो कन्वर्टर, और ऑप्शन डी है इन्वर्टर, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चॉपर। चॉपर फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलने का कार्य करता है। यह स्टेप अप तथा स्टेप डाउन दोनों प्रकार का होता है, जो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी अर्थात या तो स्टेप अप या स्टेप डाउन करके हमें प्रदान करता है। और रेक्टिफायर का यूज एसी टू डीसी के लिए किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर का यूज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, और इन्वर्टर का यूज डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सीसा अम्ल बैटरी को निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटे को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है कि लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट किन किन को मिलाकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल को मिलाकर, और ऑप्शन डी है जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, और इसमें जल और सल्फ्यूरिक अम्ल 3:1 में मिलाया जाता है, अर्थात 3:1 तो जल का होता है और 1:1 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। और जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद करके मिलाने की यह प्रक्रिया टॉपिंग अप कहलाती है। XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान क्या है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो XLPE केबल का अनुमत प्रचालनात्मक तापमान पूछा है। XLPE की फुल फॉर्म होती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथिलीन केबल, और इसका अनुमत प्रचालनात्मक तापमान होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि PVC केबल का पूछा जाता है तो PVC केबल का प्रचालनात्मक तापमान होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, चांदी का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए है 961 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी है 1086 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन सी है 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 961 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चांदी का गलनांक 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
तांबे का 1083 डिग्री और एल्यूमिनियम का 660 डिग्री और टंगस्टन का 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है? अर्थात प्राथमिक चिकित्सा में जो ABC यूज किया जाता है उसमें ए का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है एयरवे, बी है अटेंशन, सी है अरेस्टिंग और डी है एटमॉस्फियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयरवे। तो प्राथमिक चिकित्सा में यूज किए जाने वाले ABC की फुल फॉर्म ऐसे होती है एयरवे, बी से होती है ब्रीदिंग और सी से होती है सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उपकरण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर काम करता है? ऑप्शन ए है इनकैंडेसेंट लैंप, ऑप्शन बी है फ्यूज, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिक आयरन, ऑप्शन डी है लाइटनिंग रोड और ऑप्शन ई है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये जो लाइटनिंग रोड होती है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आधार पर कार्य करती है। इनकैंडेसेंट लैंप, फ्यूज और आयरन ये तीनों विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, UPS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है अनवांटेड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है अनयूज्ड पावर सप्लाई और ऑप्शन डी है अनइंस्टॉल पावर सप्लाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, SF6 गैस का परिवहन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए है गैस सिलेंडरों में, ऑप्शन बी है सिलेंडरों में तरल रूप में, ऑप्शन सी है बॉक्स में टॉस रूप में, ऑप्शन डी है एयर सिलेंडरों में और ई है गैस के गुब्बारों में। तो SF6 का मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, जिसका यूज SF6 सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। तो SF6 गैस का परिवहन सिलेंडरों में तरल रूप में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलेंडरों में तरल रूप में। अगला क्वेश्चन है, यदि तरंग का शिखर मान VP है तो वर्ग तरंग का RMS मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में हमसे स्क्वायर वेव के बारे में पूछा है कि वर्ग तरंग में RMS मान कितना होगा। तो जो स्क्वायर वेव होती है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज अर्थात पीक वोल्टेज, VP और RMS वोल्टेज और एवरेज वोल्टेज तीनों बराबर होता है। अर्थात स्क्वायर वेव में VP बराबर VRMS बराबर VAverage होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी VP। अगला क्वेश्चन है, चालक का ऊपरी स्तर प्रभाव किसके समानुपाती होता है? ऑप्शन ए है चालक का व्यास की घात 1/2, ऑप्शन बी है चालक का व्यास, ऑप्शन सी है चालक का व्यास का स्क्वायर और ऑप्शन डी है चालक के व्यास की घात 4। तो दोस्तों ऊपरी स्तर प्रभाव का मतलब होता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट चालक के व्यास के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चालक के व्यास के स्क्वायर के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरकत्व की इकाई है? ऑप्शन ए है एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, ऑप्शन बी है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी है कुलाम प्रति वोल्ट एम्पियर और ऑप्शन डी है वोल्ट एम्पियर प्रति कुलाम। इंडक्टेंस से उत्पन्न वोल्टेज का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है V=LdI/dt। तो जब इस फॉर्मूले से हम इंडक्टेंस का मात्रक ज्ञात करेंगे तो L=VdT/dI होगा। तो इससे मात्रक होगा, वोल्टेज का मात्रक होगा वोल्ट, टाइम का मात्रक होगा सेकंड और करंट का मात्रक होगा एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। तो ऑप्शन बी वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर सही आंसर होगा।